चंद दिन पहले मैं स्विमिंग पूल गया हुआ था और वहाँ पर अपना नॉर्मल हंस जो मामूल जो है ना मेरी स्विमिंग चल रही थी, तो वहाँ पर देखता हूँ मैं कि एक स्विमिंग कोच जो है बाहर ठहरा हुआ है और उसके हाथ में एक बॉल है और उसको जो है ना ऐसा उछाल रहा है नॉर्मली जैसा उछालते हैं। तो मेरे ताल्लुकात जो है ना ये कोचेस स्विमिंग कोचेस से बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनको जो है ना नॉर्मली से हाई किया और वो भी जो है मेरी तरफ़ देखता है और वो भी हंसता है, एक स्माइल देता है। उस वक्त मैं उसको बोला कि इशारा किया कि भाई वो बॉल जो है पानी में फेंको, यानी मेरी तरफ़ फेंको, बस उसको पकड़ दूँ, जस्ट एक प्लेफुल अंदाज में, यानी तो मेरी तरफ़ फेंको, फिर मैं उसको जो है वापस फेंकूँगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं उसको जो है ना नहीं फेंक सकता। तो मैं बोला भाई ऐसा क्या मतलब, इतना एक छोटा बॉल फेंकने से पानी थोड़ी ख़राब हो जाएगा, तो फेंको उसको। तो वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर जो है ना दरअसल देखने एक CCTV लगा हुआ है और ये CCTV में वहाँ पर हमारे जो है ना बड़े सेठ बैठे हुए रहते हैं, वो पूरा इस चीज़ को जो है ना देख रहे हैं और उन वो देख रहे हैं, इसलिए जो ना मैं इसको नहीं फेंक सकता है। यानी कितना भी मैं उसको इसरार करने के बावजूद, भाई फेंको जस्ट थोड़ा बहुत जो ना उसको हम खेलेंगे, वो नहीं फेंकता है और कहता है कि जो ना बिग बॉस जो ना वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से यानी उस उनके डर से कि वो देख लेंगे, वो उस बॉल को नहीं फेंकता है, जबकि वो एक CCTV है और ज़रूरी नहीं कि जो ना फुल टाइम उस CCTV में जो ना उनके बॉस बैठ के देखते रहे, लेकिन सिर्फ उसके डर से वो बॉल को जो ना नहीं फेंकता है। दोस्तों ये एक इंसान का, एक दुनिया में एक छोटी सी पोजीशन रखने वाले का डर जब इंसान उसके बारे में रखते हैं, तो ये उसके एक्शंस में कंट्रोल आता है। अब इस बात पे सोच के देखिए, इस बात पे गौर करके देखिए कि हमारा जो बनाने वाला है, जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है एक टेस्ट के लिए, एक आजमाइश के लिए, क्या उसका हक नहीं बनता कि हम उससे डरें और गलत काम से रुकें? जबकि अल्लाह ताला इतना बड़ा है, इतनी उसकी जो ना बड़ाई और किबरियाई है, जो हमेशा हमको देख रहा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद, यानी अपने बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं, वमा कदरुल्लाह हक कदरी। इंसान अल्लाह की क्या कदर क्या है, यानी जैसे उसकी कदर करना है वैसा कदर कर ही नहीं सकता। वमा कदरुल्लाह हक कदरी, और फिर अपनी यानी उसकी पावर्स को अल्लाह ताला जो ना बता रहे हैं कि इस यानी क्या पावर्स के बेसिस पे इंसान जब किसी की कदर करे, तो अगर देखेंगे तो अल्लाह के पावर्स इतने ज़्यादा हैं कि अल्लाह ताला कहता है कि क़यामत के दिन वल अर्ज़ु जमीअ क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन पूरी ज़मीन उसके जो ना कब्ज़े में होगी, वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, और सारे आसमानों को लपट के जो ना अपने सीधे हाथ में ले लेगा। यानी जिस तरीके से हम बोलते हैं ना कि भाई बाएं हाथ का खेल है, ये पूरी दुनिया क्या है एक मुट्ठी में मैं ले लेता हूँ, यानी अल्लाह ताला के लिए बस एक मुट्ठी में इसको ले ले जैसा है। दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया में जो लोग अकड़ रहे हैं कुछ नहीं है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला सवाल करेंगे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत है? दुनिया में जो उचकते थे, दुनिया में जो अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, दुनिया में जो अपने आप को बादशाह समझते थे, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी मिल्कियत है? लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज सारी बादशाहत, आज सारी डोमीन, सारे डोमिनेंस अल्लाह की है। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, जो कहार है, जो बाय फोर्स अपना काम करा लेता है। दोस्तों जब अल्लाह ताला इतना बड़ा है, हमेशा देख रहा है, जब मर के उठकर उसी के पास हमको जाना है और फिर वो हमसे पूछने वाला है क्या कुछ अमल हमने इस दुनिया में किया है, एक कंटिन्यूस CCTV लगा हुआ है समझे आप, तो क्या अल्लाह से अभी वक्त नहीं आया डरने का?